तो स्वागत करता हूँ मैं आपका अपना दोस्त आपके अपने YouTube चैनल इंसेप्शन यू पे। तो तीसरा टेस्ट मैच का पांचवा दिन था आज और आखिरकार ये टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट नहीं कर पाई इंडिया को और इंडिया 334 रन बना के मैच ड्रॉ कराने में सक्सेस रही। जी हाँ, एक बहुत ही बेहतरीन मैच हुआ और एक बहुत ही ऐतिहासिक मैच था ये। एक ग्रेट कैरेक्टर दिखाया गया हमारे बैट्समैन के द्वारा। अब देख सकते हैं कि हनुमा विहारी और अश्विन ने कितना ही अच्छा खेला। 161 बॉल 128 बॉल खेला और आउट नहीं हुए और हमारे ऋषभ पंत ने सबसे ज़्यादा मारे। ऑस्ट्रेलिया अपनी बॉलिंग से उतनी खुश नहीं हुई क्योंकि वो ये मैच एक टाइम पे पूरे जीते हुए थे, लेकिन भारत के बैट्समैन ने इतना अच्छा खेला और ख़ास करके हमारे यंग ऋषभ पंत ने। ये रही उनकी पारी, आप ये पारी इंजॉय करें, इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे। और सेंचुरी के पास आके ऐसे आउट हो गए, लेकिन ये उनकी सेंचुरी जैसी ही बैटिंग थी और बहुत ही अच्छा खेला ऋषभ पंत और चेतेश्वर पुजारा ने। और आप देख सकते हैं कि भारत के बैट्समैन कितने स्ट्रगल कर रहे थे। जी हाँ, हैमस्ट्रिंग में दिक्कत विहारी के, अश्विन को बार बार चोट लग रही थी और उसके बावजूद इंडिया ने इतना अच्छा खेला। और ये चित्र सामने आई है, जी हाँ ये वीडियो आई है, जहाँ स्टीव स्मिथ को देखा गया है कि बैट्समैन का गार्ड मिटाते हुए। अगर ये वीडियो सच्ची है और ये बात सच है तो ये बहुत ही गलत है। हम इनसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते, ये बहुत बड़े बैट्समैन हैं और इन्हें खेल की मर्यादा याद रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विराट कोहली ने हमें पहले ही बता दिया था, जी हाँ सीरीज स्टार्ट होने से पहले विराट ने बता दिया था कि इस सीरीज के एक्स फैक्टर होंगे हनुमा विहारी, और आज हनुमा विहारी ने अपना कैरेक्टर दिखाया। जी हाँ, बहुत ग्रेट खेला। और स्टीव स्मिथ जिन्होंने सेंचुरी मारी बहुत दिनों बाद, उन्हें दिया गया मैन ऑफ द मैच। और इंडिया के साइड से मेरे हिसाब से जो मैन ऑफ द मैच थे वो थे ऋषभ पंत, लेकिन एक ही अवार्ड मिलता है तो वो उन्हें मिला। और भारत के साइड से इतने सारे प्लेयर इंजर्ड है, ये देखिए ऐसे चोट लगा था जडेजा को और उसके बाद ये वीडियो सामने आई है जहां उन्होंने सैनी को कहा है कि वो उन्हें ये छील के दे। जी हाँ, उनसे नहीं निकाला जा रहा, उनके बावजूद वो ग्लव्स पहन के बैठे थे बैटिंग के लिए। ये सच में कैरेक्टर दिखाता है। और ऐसा रहा ये आज का दिन और आज का मैच, एक बहुत ही ऐतिहासिक टेस्ट मैच था ये, और इंडिया के लिए ये जीत से कम नहीं था। और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट मैच में 6000 रन पूरे कर लिए। जी हाँ, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इनके लिए, एक ग्रेट बैट्समैन के लिए, और ये 10000 भी बनाएंगे। और आज राहुल द्रविड़, जी हाँ द वॉल ऑफ इंडिया, उनका बर्थडे है, तो हम उन्हें अपने तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और ऐसा रहा ये तीसरा टेस्ट मैच, और अभी सीरीज 1-1 की बराबरी पे है। अब चौथे टेस्ट मैच में जो ये मैच जीतेगा, जो चौथा मैच जीतेगा, वो सीरीज जीतेगा। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें।